गुलाब चेहरे अजाब चेहरे, करारे जहां है शराब चेहरे, और पुराने चेहरों को ढब से देखो, है लफ्ज जुरिया किताब चेहरे। मैं बहुत मशहूर हूं जनाब अजहर लोधी साहब का। जब कहने को जी चाहता है तो फिर डर जाता हूं। मैं दिल्ली में था, पांचवी जमात में पढ़ता था। कायदे आजम को मैंने 3 मर्तबा सुना। जलंधर छावनी में कैंप बना महाजरीन का, हम वहां पहुंचे। किसने गोली मारी थी? अच्छा, वो आपके करीब ही था? वो मुझसे 3 गज के फासले पर था। मुल्क के पहले वजीर आजम तन्हा स्टेज पे, आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस आई, उस वक्त वो खत्म हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, मतुल्ला जान, एम जे टी वी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक तारीखी शख्सियत, पाकिस्तान टेलीविज़न की एक तारीखी शख्सियत और तारीख के एक यानी शाहिद भी जनाब अजहर लोधी साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में उन्होंने बहुत सी अपने तजर्बात से आप लोगों को आगाह किया। तो एज ए इंस्पेक्टर उन्होंने तो रिज़ाइन करने के बाद कभी आपकी वालिद साहब से गप तो लगती होगी, बातचीत तो होती होगी, कोई किस्से सुनाते होंगे, वो बताते होंगे? सियासत पे कभी वो नहीं, लेकिन इतने बड़े साने पे कभी कोई बात नहीं हुई? नहीं, वो नहीं है, वो बच्चों को नहीं, एक नहीं बीच में तो नहीं। 58 में आप फिर अयूब खान के दौर में कॉलेज में? जी मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी मैं कॉलेज में ही आप कॉलेज में नहीं जी, मैं उस वक्त रेडियो में था। अच्छा, कौन से साल में आप रेडियो में एंटर हुए? मैं रेडियो में मुझे सिलेक्ट, अच्छा ये भी एक अजीब वाकया है कि रेडियो की सर्विस के लिए मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं थी। गॉर्डन कॉलेज में मैं पढ़ता था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और वहाँ पे आपको पता को एजुकेशन थी, अमेरिकन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल अमेरिकन, और को एजुकेशन थी, और हर साल एक ट्रेन बाकायदा जाया करती थी लड़कियां लड़कियों को लेकर शहर के लिए, ये वो सारा बड़ा अच्छा माहौल था। ये कौन से साल की बात है? ये 1951 से आप शुरू करने आगे बैटर की बात, तो आप गार्डन कॉलेज में 52, 53, 54, 55 में मैं, और ये गार्डन कॉलेज भी तो उधर लियाकत बाग, कंपनी बाग के करीब ही, कंपनी बाग के उधर साथ ही है, साथ है, बिल्कुल साथ है। वहाँ पे मैं इसी वजह से, वहाँ पे लिटरेरी कॉन्टेस्ट होता था जिसमें ओरेशन, रेसिटेशन, एसे राइटिंग, डिबेट, ये इनके मुकाबले हुआ करते थे, डिवाइड कर लेते थे। जो साइंस स्टूडेंट लड़के और लड़कियां थे एक साइड पे, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स लड़के और लड़कियां दूसरी साइड पे, बड़ा जश्न हुआ करता था, बड़ा हंगामा तो हुआ। वहाँ से आपकी आवाज़ को किसने पहचाना? मेरी आवाज़ को जेड ए बुखारी, जो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे रेडियो पाकिस्तान के, वो प्रिजाइड कर रहे थे। मेरे मुकाबले में मैंने ना इंग्लिश में ना उर्दू में किसी को जीतने नहीं दिया। अच्छा, बुखारी साहब ने जब मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे देखी, मैंने एक मीर अमन देहलवी का एक लिया पीस उस्तादी ग्रामी, तो उसको मैंने अपनी मुख्तलिफ आवाज़ों में मैंने उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद उस मुकाबले के लिए मैं आ गया। अच्छा, दो इसके ऑनररी प्रेसिडेंट होते थे, मिनर्वा क्लब के अलहदा प्रेसिडेंट थे और बार क्लब के अलहदा प्रेसिडेंट थे। उस मुकाबले में जब बड़े नारे लगा करते थे, अजीब अजीब नारे लगा करते थे प्रोफेसरों के, दूसरों के, लेकिन कोई माइंड नहीं करता था, इतना अच्छा माहौल था। तो जब मैं अपनी परफॉर्मेंस कर दे चुका,
उसके बाद जैड बुखारी खूबसूरत आदमी, खूबसूरत आदमी, यानी ऐसी पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी। आवाज़ का तो बादशाह था ही, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर, ऐसा ब्रॉडकास्टर मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री में नहीं आया होगा मैंने आज तक। मैंने उनके कुछ क्लिप सुने, ब्रिटिश आर्मी की जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में खिदमत थी उसके ऊपर उन्होंने बड़ी वॉइस ओवर्स की भी लेकिन आपने मर्सिया तह तो लफ्ज मर्सिया जो पढ़ते थे, फिर कलाम इकबाल जो वो पढ़ा करते तो बहरहाल उन्होंने फिर आपको सिलेक्ट किया उस फंक्शन में। वहाँ पे माइक वो उन्होंने प्रिंसिपल से इजाज़त मांगी कि मैं इस लड़के को दोबारा बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत वेलकम, मैं आया, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहने के बेटे, आवाज़ उनकी बड़ी गरजदार आवाज़ थी, आप मुझे अपनी असल आवाज़ सुनाएं। जब उन्होंने एक जुमला कहा कि आप अपनी असल आवाज़ सुनाएं, मैंने 16 वॉइसेज उसमें निकाली थी। अच्छा 16 वॉइसेज जिसमें फीमेल वॉइसेज भी थी, 16 वॉइसेज में उनका आप मुझे अपनी असल आवाज़ सुनाएं। अच्छा तो मैंने कहा मैं जिस तरह आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ यही मेरी आवाज़ है। दूसरे दिन रेडियो की एक पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वगैरह, वो 4-5 लोग आ गए प्रिंसिपल के पास कि डीजी रेडियो ने बच्चे को बुलाया है। मेरी वो जो रेसिटेशन की थी वो रात को ब्रॉडकास्ट हुई, इतने इतने बड़े जैसे होते हैं तवे होते हैं, नहीं डिशें, डिशेज, अच्छा इतनी इतनी बड़ी डिशें, अच्छा, और वो रिकॉर्डिंग होती थी, वो रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होकर रात को वो ब्रॉडकास्ट हुआ। अच्छा। उसके बाद जब मैं मुझे गाड़ी लेने आई रेडियो की, नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ने इजाज़त दी, तो एक जिसमें मुख्तार सिद्दीकी मरहूम, मोहम्मद उमर मरहूम, मतलब सारे लोग, बड़े बड़े लोग, ड्रामा प्रोड्यूसर, शायर, ये सब बैठे थे, बुरहानुद्दीन हसन सारे। तो वो खड़े हो गए ओवरकोट यहाँ कंधों पे, कुछ काले कुछ सफ़ेद बाल, सुरख रंग, और ये कद पठान आदमी, पतरस का भाई, छोटा भाई, पतरस तो बड़े थे। सही। तो कहने गए कि इस बच्चे को सुना आपने रात? उन्होंने कहा जी हाँ। कैसा लगा आपको, आपने जैड बुखारी को सुना? उन्होंने कहा जी मैं ब्रॉडकास्टर हूँ। उन्होंने कहा हाँ, नहीं ये मुझसे बड़ा ब्रॉडकास्टर। अच्छा जैड बुखारी साहब, जैड बुखारी, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बाद से आप उन्होंने कहा कि आप रेडियो ज्वाइन करें। मैंने कहा मेरी एजुकेशन ये वो चलती रहे, वो भी चलती रहेगी। आप फिर मैं इतना मसरूफ हो गया कि हर काम उन्होंने मेरे जिम्मे लगा दिया, अनाउंसमेंट करनी। उस वक्त अनाउंसर जो थे उनके पास एक बूथ होता था, जो इंजीनियर आप काम करते हैं वो अनाउंसर खुद किया करता था, आपकी फरमाइश कर रहे हैं, अज़र लोदी कर रहे हैं, गीतों भरी कहानी कर रहे हैं, अज़र लोदी कर रहे हैं, ड्रामे में लीडिंग रोल कर रहे हैं, अज़र लोदी कर रहे हैं, ड्रामे में साउंड इफेक्ट्स, घोड़े दौड़ रहे हैं, ट्रेन चल रही है, वो मतलब वो भी कर रहा हूँ साथ साथ, ये सारी आवाज़ें भी निकालते, तो आवाज़ें भी निकालते और मुख्तलिफ आवाज़ में बोलते भी, मुख्तलिफ आवाज़ में बोलते बड़े बड़े रोल किए। रफ़ी पीर आए लाहौर से अपने ड्रामे लेकर, मोहनी हमीद आई पिंडी में ड्रामे के लिए, अखियाँ, वैरी, उनके बड़े मशहूर ड्रामे हैं, उन ड्रामों में मैंने लीडिंग रोल किए। वो इतने खुश हुए रफ़ी पीर साहब कि मोहनी हमीद हीरोइन और मैं हीरो, रेडियो के और उसके बाद अपने मतीउल्ला 65 वॉर। अच्छा उससे पहले ज़रा आते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज से तो जैड बुखारी साहब ने निकाल दिया। जी हाँ। लेकिन जब आप कॉलेज में गए थे तो क्या आपने क्या सोचा था, आप क्या बनना चाहते हैं?
क्या आपका करियर क्या था, आपके जहन में क्या था और क्या हो गया? उसमें थोड़ा सा है कि मेरे वालिद कहते थे जो इसका जी चाहता है, मेरी वालिदा कहती थी अच्छा मैं जैसे है कि मतलब बच्चा जो है मेरे वालिद अगर पुलिस में है तो वो पुलिस में जाए, तो वो उनका ख्याल था कि पुलिस में ये अपना ये ग्रेजुएशन कर ले और फिर पुलिस में इसको, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था, कुदरत को ये मंजूर था। आप क्या चाहते थे? मैं जब आ गया रेडियो में बस फिर तो मैं मेरा ओढ़ना बिछोना रेडियो था। अच्छा, आप यकीन करेंगे कि मैं कमेटी चौक आपने देखा है ना जी, पिंडी में बिल्कुल वही हमारा घर था भाबड़े बाजार में, ठीक वहाँ से हम अजान फजर के वक्त चलता था पैदल। अच्छा, पिशावर रोड पे रेडियो स्टेशन पहुँचता था पैदल। अच्छा, उस वक्त तो टांगे भी मुश्किल से चलते टांगे टांगे उसके बाद मैंने फिर टांगे पे भी जब मुझे मेरे पास पैसे से फिर मेरी अच्छा फिर मैं 150 रुपए पे मुलाजिम हुआ। अच्छा, जबकि प्रोड्यूसर को रेडियो के प्रोड्यूसर को 90 रुपए पे मुलाजिम रखा जाता था। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मेरा चूंकि ओढ़ना बिछोना यही था। ठीक, चले फिर इसका मतलब है कि आपने फील्ड मार्शल अयूब खान का मार्शल भी देखा? मैंने फील्ड मार्शल मैंने अनाउंस किया। अच्छा, मार्शल मुझे आपने खुशी खुशी अनाउंस किया या थोड़ा बच्चों को इतनी समझ उस वक्त जाहिर है कि मेरे ख्याल में 18-19 साल का बच्चे को तो समझ हो जानी चाहिए उस वक्त जो आजकल 18-19 साल के बच्चे हैं उस वक्त वो नहीं। हाँ, आपको अयूब खान अच्छा लगता था एज ए यंग? मुझे अयूब खान बहुत अच्छा, उसने बहुत काम किया क्योंकि आवाज़ तो उनकी भी बड़ी ब्रॉडकास्टर वाली थी। मैं ब्रॉडकास्टर वाली आवाज़ आप न कहें लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की थी, उसने काम बहुत अच्छे किए हैं। तो आपको जवानी से ही वर्दी वाले लोग अच्छे लगते थे? वर्दी वाले मेरे दादा बरकी पहले वजीर रहे हैं, वजीर सेहत जनरल बरकी, जनरल बरकी मेरे दादा थे। सही, हमारी है ना जी नियाजी बरकी लोधी सूरी, सूरी मेरे ननिहाल थे। सही है, इस तरह मतलब है। ठीक है, हम तो बहरहाल आपने अनाउंस किया, क्या वाकया था वो, कैसे क्या खबर आपको किसने ला के दी कि आपने पढ़नी है, क्या हुआ? खबर ला के दी कि इसको पढ़े, मैंने पढ़ा, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और आप यकीन करें कि उस वक्त जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी ये कहते हैं ना जी मिलावट है और ये है और वो है और ये रिंग रोड है और ये फलां रोड है फलां को ये घपले हो रहे हैं ये घपले हो रहे हैं, उस वक्त ये नहीं था। अच्छा, आपने कॉलेज में कोई आप आवाज़ का जादू तो जगाते रहे हैं लेकिन कोई नज़रियात का जादू आपको नहीं जगा सका शायद कॉलेज में? यूनियन एक्टिविटीज़, वो जो एक डिबेट्स डिस्कशन या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी डेमोक्रेसी के हवाले से आपके क्या उस वक्त उस एज में आपने क्या डेमोक्रेसी के हवाले से जाना तो क्या आपके जहन में था? देखिए ना, असल में तो ये था अपने मतियुल्ला कि मुल्क को फलता फूलता हुआ देखना चाहते थे और आपके सामने एक ही मॉडल था फलते फूलने का, वो अयूब खान का नहीं। अयूब खान ने काम किए थे। हाँ, अयूब आपको पता, आपने पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी को फलते फूलते देखा नहीं क्योंकि आप उसे बहुत यंग थे शायद, मैं आपका इंटरेस्ट नहीं था। जब आप मैच्योर हुए तो आपने अयूब खान को देखा? अयूब खान को देखा, अयूब खान को देखा और आपने इंस्पिरेशन ली? मुझे अच्छा लगा इसलिए कि मैं उसके जितने फंक्शन होते थे, जश्न मरी हुआ करता था हर साल जिसमें साबिका मशरकी पाकिस्तान से लोग, इंडिया से और पाकिस्तान से, जिसमें वो शायरा होता था, क्लासिकल म्यूज़िक होता था, लाइट म्यूज़िक होता था, ये जश्न मरी हर साल। तो
दोनों। आपकी जो लाइफ थी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ये कोई नजरियाती लाइफ नहीं थी, क्योंकि ये वो दौर था कि जिसमें लेफ्ट और राइट, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के दरमियान एक बहुत बड़ी टसल चल रही थी। मगर चूंकि आपके जॉब की नेचर ऐसी थी और आपकी तरजीहात ऐसी थी कि आपको इससे कोई वास्ता नहीं था, आप अपनी लाइफ को अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे थे। मैं अपने प्रोफेशन आपका ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जमहूरियत, मार्शल लॉ, इससे कोई ताल्लुक नहीं, नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं ताल्लुक था। होना चाहिए था आपके ख्याल जी, होना चाहिए था। देखिए, जब आप एक आप जो काम भी करें दिल से करें, उसमें बरकत होती है। अगर आपके बट गए ना, आप तकसीम हो गया आपका मामला, तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, आपसे ऑब्वियसली आप ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्शन लड़ें या सियासत करें या वज़ीर बन जाएं। मतलब एक बंदे के नज़रिया सोच भी तो होती है ना, एक सियासी सोच होती है, पॉलिटिकल सोच होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सोच होती है। अयूब खान के दौर में एक सियासतदान निकला जिसने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं। उसमें तो वो जब सामने आया अयूब खान के, तो आपको वो अच्छा लगा या बुरा लगा, आपकी क्या उस वक्त फीलिंग थी? मेरी फीलिंग जो जब शिमले में हुआ था, तो भुट्टो ने आके फिर, ठीक है ना, तो आप उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में? मैं रेडियो पाकिस्तान में था। ठीक है, जब वो शिमला मुआहदा हुआ, भुट्टो ने वापस आके अपने कुछ तासुरात दिए ऐसे कि जैसे सौदा हो गया कश्मीर का, तो उस वक्त आपको कैसा लगा भुट्टो? मुझे भुट्टो अच्छा लगता था, रियली अच्छा लगता था। मेरा ख्याल है कि आज तक जितने भी पॉलिटिशियन आए हैं, भुट्टो से, भुट्टो जैसा पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नहीं आया। नो, तो उसने जब अयूब खान को चैलेंज किया तो आपको अच्छा लगा, और आप समझते हैं उसने दुरुस्त चैलेंज किया था? किसने? भुट्टो ने। भुट्टो ने चैलेंज किया, उसने ये सियासी मामला है। हाँ, आप तो गैर सियासी। मैं जिस तरफ मैं लगा हुआ था, मगन था उसमें, मैं अपने उस प्रोफेशन में इतना मसरूफ था, और इतनी मुझे दिलचस्पी थी। खबरें भी आप पढ़ रहे थे रेडियो? मैं खबरें भी पढ़ रहा था। अच्छा, आपने कहा आपने मार्शल लॉ का अनाउंस किया और आपने कहा कि आप खबरें भी पढ़ते रहे, आपको नहीं लगता कि एक तरफ आप सियासत से बहुत लाताल्लुक़ हैं, मगर दूसरी तरफ आप उसी सियासत के एक आलाकार भी बन गए थे? अयूब खान की खबरें, उसके हक में खबरें पढ़ पढ़ के, मतलब होता है ना कि आप कहते हैं मैं तो गैर सियासी हूँ, लेकिन आप नहीं समझते कि आपकी आवाज़ को, आपकी शख्सियत को, आपके आपके फन को इस्तेमाल किया गया, बल्कि आप एक्सप्लॉइट किया गया एक एक हुक्मरान की तरफ से? कतन नहीं, कतन नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जितना लिसनर्स की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिला, जितना प्यार मिला, जितनी इज्जत मिली, मेरे लिए वो काफ़ी था। और ये इज्जत और प्यार आपको बांग्लादेश के अवाम की तरफ से भी मिलता था, पाकिस्तान की तरफ? बिल्कुल मिलता था, मेरे दोस्त थे वहाँ हमारे साथ, टेलीविजन में हमारे कोलीग थे। मगर आपने कभी सोचा कि वहाँ के अवाम की महरूमियाँ और वहाँ के अवाम के साथ जो ये दिल में आता था? आता था, ये आता था मेरे दिल में, ये आता था। और आप सोचते थे कि काश हम उनके बारे में ही बात कर सकें? कर सकते, ये मेरे दिल में होता था कि काश जब इलेक्शन हुआ है और वो मेजॉरिटी में था, काश। आपके दिल में ये आता था कि आखिरी एहसास महरूमी पैदा करने में अयूब खान का और रेडियो पाकिस्तान का और अज़हर लोधी का भी कोई किरदार होगा उसमें? हमारा इदारे का क्या किरदार होगा, एक शख्स का क्या किरदार होगा? अयूब खान का तो था, अयूब खान तो देखो ना जी, फील्ड मार्शल था और सदर पाकिस्तान था, है ना। मगर बात, सवाल वो ये, आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ को एक्सप्लॉइट किया गया, मिसयूज़ किया गया, आपकी एक शख्सियत थी, आपसे लोग मोहब्बत करते थे, उसको एक्सप्लॉइट किया हुक्मरानों ने? मैं ये कहूँ कि
कि क्या जेड बुखारी ने मेरी आवाज़ को एक्सप्लॉइट किया। उसने उसने कहा कि मैं मुझे कहते हैं कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर हूँ। जेड बुखारी हुक्मरान तो नहीं थे, मैं कहता हूँ आप कह रहे हैं ना आप सियासी नहीं हैं, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर आपकी आवाज़ को आपकी शख्सियत को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया, ये तो आप मानते हैं इस बात, क्योंकि जो खबरें आप पढ़ते थे वो खबरें एक तो वो एक सरकार के, देखिए ना इस एक इदारा है, एक इदारा है, देखिए ना न्यूज़ डिपार्टमेंट, आप अपना काम कर रहे थे, आपको इससे कोई गर्ज नहीं, मुझसे कोई गर्ज नहीं, लेकिन लेकिन आपके दिल में आता था कि काश उनकी आवाज़ उनकी खबरें भी आएँ जैसा कि आनी चाहिए, और शायद अगर रेडियो पाकिस्तान आज़ाद होता और सच खबरें पूरी खबरें दे रहा होता तो शायद बांग्लादेश के अवाम में एहसास महरूमी पैदा ना होता, आप मानते हैं इस बात को? रेडियो पाकिस्तान का इसमें उस वक्त के जो रेडियो के सरबराह थे न्यूज़ के, और मुसलेउद्दीन साहब नहीं रेडियो में नहीं थे, रेडियो में नहीं, अच्छा उस वक्त न्यूज़ में नहीं, पर आपने कहा सत्तर रेडियो हाँ। नहीं जो नेशनल न्यूज़ होती थी जी, वो होती थी कराची से, कराची, लेकिन आप पढ़ते थे खबरें, हम लोकल न्यूज़ पढ़ते थे, लेकिन मार्शला की खबर तो आपने पढ़ी, पढ़ी मैंने, जो खबर वहाँ से आती थी वो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, कभी आप सोचते थे कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब मैं ये कभी नहीं सोचा, कभी नहीं, हम अपने फन में गुम थे, आप अपने आवाज़ के जादू में लोगों को जगा रहे थे। आवाज़ का जादू तो लोग समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ जो कुछ मैंने किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, हर सरबराह मुमलिकत की मैंने एड्रेस टू द नेशन मैंने अनाउंसमेंट की है, यकीनी तौर पे बड़े एजाज़ की बात है, ये बड़े एजाज़ की बात है, हर ब्रॉडकास्टर के शायद ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो इतने पाकिस्तान की तारीख में, एक मुल्क की तारीख में इतने आम जगह पे रहा हो, मगर लोधी साहब बतौर एक शहरी, बतौर एक ब्रॉडकास्टर, बतौर एक इंसान, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसके बारे में तो हर पाकिस्तानी का दिल बहुत दुखा, तो उसकी वजूहात के हवाले से भी मतलब आपके जहन में कुछ चीज़ें आती होंगी। 1970 के इलेक्शंस और उसके बाद जो फॉल ऑफ ढाका हुआ, उससे पहले एक और बड़ा वाकया था जिसके अज़हर लोधी साहब जो हैं वह निशायद हैं, और वो 1965 की जंग थी, तो लोधी साहब कुछ उसके बारे में बताएं, ये जब जंग का आगाज़ हुआ तो आपने तो बहुत सी खबरें पढ़ी, शकील अहमद साहब भी आपके कुलीग उस वक्त में जी हाँ, बड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत और आवाज़ थे, और मुझे तो ये भी एजाज हासिल है कि मैंने शकील अहमद का इंटरव्यू भी किया था जी, अच्छा माशाल्लाह गुड, जब तो आपका क्या रोल रहा था और आपने क्या देखा, क्योंकि एक तासर ये है कि शायद 1965 की जंग में मलका तरानम नूरजहाँ ने और रेडियो पाकिस्तान ने मिलकर लड़ी और उसका बड़ा एक किरदार रहा है, तो ये बात किस हद तक ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में अगर कहा जाए कि मीडिया की जंग तो वो तो कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा की जंग है, तो क्या रेडियो पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले किया 1965 की जंग में, और आपका ज़ाती तौर पर क्या किरदार रहा बीच में? देखिए ना उस वक्त रेडियो पाकिस्तान ही तो था, और रेडियो पाकिस्तान ने जो रोल अपना अदा किया जंग के दौरान, जिस तरह काम किया है, अनथक काम किया है, ट्रेंचेस खुदी हुई हैं, लोग ट्रेंचेस में हैं, खबरें आ रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, मुन्नू भाई फीचर लिख रहे हैं और ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और बम्बार्टमेंट हो रही है, लेकिन किसी को खौफ नहीं है, कुछ नहीं है, लोग अपना काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन कि हम दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, और हुआ यही, आप देखें ना जी कि सेकंड्स में एमएम आलम ने क्या किया, ठीक ना, तो खबरें आप उस वक्त भी पढ़ रहे थे रेडियो पाकिस्तान? जी मैं उस वक्त खबरें पढ़ रहा था रेडियो पाकिस्तान में, और मुन्नू भाई का एक बहुत ही अच्छा सीरियल था जो मुन्नू भाई ने लिखा था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था सिख का, सिख बना हुआ था उसी लहजे में,
वो मैं कर रहा था। और इसके अलावा जो जितने अपने ये प्रोग्राम थे जंग के हवाले से, मेरा ख्याल है रेडियो ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। अच्छा, मैं जंग के बाद ही वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब खान के दरमियान फिर जी हाँ इख्तलाफात भी हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी रखी गई, तो क्या उस वक्त असरात थे आपके बतौर एक पाकिस्तानी बहसीत पाकिस्तानी? मैं बताऊं कि उस वक्त चीनी की कीमत गालिबन दो आने या चार आने बढ़ी थी, और लोगों ने ये वकारुन्निसा कॉलेज के लड़कियों ने और गवर्नमेंट कॉलेज के और उन्होंने जुलूस निकालने शुरू किए अयूब खान के खिलाफ, एक तहरीक चली अयूब के बारे में नाजेब अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। अयूब ने जब सुना तो चकलाले में हमारे बैरक में टेलीविज़न था। तो ये इस एहतजाज के बारे में रेडियो पाकिस्तान पे या पीटीवी पे खबरें चलती थी कोई? जी चलती थी। अच्छा, अयूब खान के खिलाफ भी खबरें चलती थी? जी चलती थी। अच्छा, ये 67-68 में? जी हाँ। उस वक्त की रजीम परवाह नहीं करती थी रेडियो पे कोई खबर उनके खिलाफ चल रही? नहीं। अच्छा। बड़ा मेरा ख्याल है कि नहीं, जो उस वक्त के लोग थे मिनिस्ट्री में उनमें सख्त थी। अच्छा, और आप वो पढ़ देते? अब नहीं है। अच्छा, आप वो पढ़ देते थे खबरें? बिल्कुल पढ़ देते थे। कभी पूछ गुछ हुई, कभी आपसे कोई ऐसी गलती या कोई मिस्टेक? हाँ हुई। क्या हुई? वो जब मौलाना कौसर नियाज़ी हमारे मिनिस्टर थे, मौलाना कौसर नियाज़ी साहिवाल में मेरे बड़े भाई